अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि खुदावंद करीम के फ़ज़लो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हुज़ूर तनासल की जुमला कमज़ोरियों को दूर करने का आसान तिला। नाज़रीन, आज के मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से बहुत से लड़के बेराह रवैये का शिकार हैं और बहुत से गैर अखलाकी मशगलों में अपनी जान को ज़ाया कर रहे हैं। इन गैर अखलाकी आदात की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इन बीमारियों में इतलाम, त्रियांग, जकाब, तहस और सबसे बड़ी अज़ूए तनासल की बीमारी है। नाज़रीन, आज मैं आपको अज़ूए तनासल की जुमला कमज़ोरियों को दूर करने का तिला बताने जा रहा हूँ। बचपन की गलतकारियों यानी गैर अखलाकी फिल्म देखने या फिर लड़कियों से टेलीफोनिक गैर अखलाकी गुफ्तगू के बाद जज्बात पर काबू ना रहने की वजह से बहुत से लड़के मुश्तज़नी करते हैं, जिसकी वजह से अज़ूए तनासल की रगें मारी जाती हैं, अज़ूए तनासल कमज़ोर और टेढ़ा हो जाता है। अज़ूए तनासल को तंदुरुस्त और तवाना करने का नहायत ही आसान और सस्ता नुस्खा बता रहा हूँ। नाज़रीन, ये एक अज़मुद्दा नुस्खा है जिससे मुश्तज़नी, लकोरिया के मरीज लड़कियों से अम्बिस्त्री, मखबारी के दौरान अम्बिस्त्री और बाजारी औरतों जो कि बहुत से गलीज़ किस्म की बीमारियों में मुबतला होती हैं, इनसे अम्बिस्त्री की वजह से नफस की जुमला कमजोरियों और बीमारियों को दूर करता है। नाज़रीन, यह दिला नफ्स का टेढ़ापन दूर करता है, नफ्स की ख़त्म शुदा रगों को फिर से तंदुरुस्त करता है, नफ्स की कमज़ोर रगों को एक बार फिर से नई ताकत देता है। इस तिला के इस्तेमाल के बाद शादी से इनकारी लोग फिर से शादी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। नाज़रीन, शर्तिया तौर पर यह तिला अज़ूए तनासल की जुमला कमज़ोरियों को दूर करते हुए तंदुरुस्त करता है। इलाज, देसी अंडे एक दर्जन, दार चीनी एक इंच का टुकड़ा, लौंग 10 अदद, रोगन बादाम 20 ग्राम, रोगन तेल 20 ग्राम, रोगन कलौंजी 20 ग्राम, रोगन जैतून 20 ग्राम। तरकीब तैयारी, सबसे पहले देसी अंडों का तेल निकाल लें, फिर दार चीनी और लौंग को बिल्कुल बारीक पीस कर पाउडर बना लें। अब सब तेलों को इकट्ठा करके इनमें देसी अंडों का तेल भी मिक्स कर लें, फिर इसमें दार चीनी और लौंग वाला पाउडर डालकर खूब मिक्स करें। नाज़रीन, जब सब चीज़ें एक जान हो जाएं, तो इनको किसी भी शीशे के जार में महफूज कर लें। तरकीब इस्तेमाल, रात को इस तिला को नफ्स का अगला हिस्सा और निचला हिस्सा छोड़कर बाकी 3 हिस्सों पर तिला लगाकर हल्के हाथों से मालिश करते रहें। जब तिला नफ्स में जज्ब हो जाए तो नफ्स को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, फिर थोड़ी देर बाद नफ्स पर पान या फिर पीपल का पत्ता लपेटकर ऊपर से गर्म पट्टी बांध लें। नाज़रीन, सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में खुद आप फ़र्क महसूस करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें यानी हमारे नुस्खा जात अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और हर परेशानी से निजात। अगले नुस्खा तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का हमी नासिर हो। खुदा हाफिज़।